दोस्तों, को स्वागत है आपका जायके की रसोई में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा रेसिपी। इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, ब्रेड्स लिए हैं, उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। और इसमें मैंने करीब 1 कटोरी आटा लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के घोल तैयार कर लिया है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काट ली है और इसमें मैं डाल दूँगी घरेलू पिसे हुए मसाले, थोड़ा हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। और फिर एक एक करके हम सिंपल आसान ब्रेड पकौड़ी रेसिपी तलते जाएंगे। बेसन का हमने घोल तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसमें 1 कटोरी बेसन लिया, उसका घोल तैयार कर लिया है। इसमें 2-3-4 हरी मिर्च काट लिए। अब इसमें डाल दूंगी घरेलू पिसे हुए मसाले। थोड़ा सा हल्दी पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार। बीच बीच में रोक। जैसे ये आप देख रहे हैं कि घोल तैयार हो चुका है और अच्छे से। मैंने इसमें क्या क्या डाला, 1 कटोरी बेसन लिया, पानी मिलाया, घोल बनाया, मसाले डाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें। और ये मैंने ब्रेड के स्लाइसेस बना लिए हैं, ये भी मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस कैसे तैयार किए, मैं आपको बता भी रही हूँ साथ में। ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए हमारे ब्रेड के स्लाइसेस इस टाइप से तैयार हो जाएंगे। ये जैसे कि मैंने आप काट के रखे हुए हैं, इस टाइप से आप काट लीजिए। जितनी आपकी फैमिली है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। ये इस टाइम पर मैं लगभग 3-4 लोग के करीब बना रही हूँ, उतने ही मैंने काटे हैं, ठीक है। आप सुबह नाश्ते में इसको पकौड़ी वो चटनी के साथ, चाय के साथ ले सकते हैं, शाम को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे हमने ऑयल डाल दिया, गर्म होने पे हम इसमें पकौड़े तलने शुरू करेंगे। घोल हमारा तैयार है, तेल गरम हो चुका है, हमने कढ़ाई में तेल डाला था। अब मैं इसमें डुबो के ब्रेड पकौड़ा तलना स्टार्ट करूँगी आपके सामने। इस टाइप से अच्छे से डुबो लेंगे। इस टाइप से हम एक एक करके ब्रेड पकौड़ा अपना तल लेंगे। स्टेप तलते जाएंगे फिर वन बाय वन। देखिए इस तरीके से हम तल के एक के बाद एक ब्रेड पकौड़े तलते जाएंगे। तल एक के बाद एक तल
हूँ।